सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं APER यानी आपका जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो आपने सबमिट किया है उसको PO लेवल से और CBO लेवल से अप्रूव या रिजेक्ट किस प्रकार से किया जाना है उसकी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, किस स्थिति में अप्रूव होना है, किस स्थिति में रिजेक्ट होना है। अब की बार अप्रूव का प्रोसेस थोड़ा चेंज और सरल कर दिया गया है, तो अपन चलते हैं सीधा वीडियो पे। साथियों देखिए, सबसे पहले आप स्टाफ लॉगिन से जो भी अधिकारी साहिबान है वो अपनी स्टाफ लॉगिन साला दर्पण से लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने ऐसा होम पेज खुल जाएगा। इसमें साथियों आप लोगों को इस APR वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग APR पे क्लिक करेंगे इसमें दो ऑप्शन खुल जाएंगे, APR डैशबोर्ड और APR। तो आप लोग जैसे ही APR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। इसमें आपको वर्ष है वो 2022-23 ये वाला सिलेक्ट रखना है क्योंकि अपने 17-22-23 के APR को अप्रूव कर रहा है ना। जैसे ही आप लोग इस ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें सबसे पहले आप द्वारा संबंधित अधिकारी द्वारा जो APR भरी गई है उसका स्टेटस दिखाएगा। आपका APR आपने फिल्ड कर चुके हैं और वो आप देखना चाहें तो यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। अब ये वाला जो है ना असेसमेंट APR, क्लिक हेयर फॉर व्यू असेसमेंट APR, आपको यहाँ पे क्लिक करके असेसमेंट वो जो अप्रूव करने हैं, ठीक है साथियों। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ेगा और आपसे जो नंबर दे रखे हैं उस पर OTP भेजने को बोलेगा। आप सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे, सेंड OTP पे करेंगे आपके जो भी साला दर्पण में नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ दिखा देगा, उस नंबर पे OTP जाएगा। वो OTP आप डालते हुए कन्फर्म OTP फॉर APR असेसमेंट, आपने वेरीफाइड OTP सक्सेसफुली हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगले ऑप्शन में देखिए क्या आएगा साथियों, वापस वैसा ही आ रहा है जैसा अपन ने शुरू में देखा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं यार मैं तो OTP डालता हूँ और आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप लोगों को जैसे आपने OTP डाला उसके बाद वापस पुनः इस पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद वापस इसी पे सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो डाटा है नीचे वो खुलने वाला है। ये देखिए साथियों असेसमेंट के लिए आगे संख्या है, यहाँ क्या रहेगा, मैंने है वो ID रिव्यूइंग ऑफिसर की खोल रखी है जहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए भी कुछ APR आई हुई है और कुछ रिव्यूइंग के लिए भी आई हुई है। तो आपको यहाँ ज्यादा संख्या इसलिए दिख रही है, यदि आप PO साहब हैं तो आपको इसमें ही संख्याएं दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी। जब आप इसमें से अप्रूव कर देंगे उसके अधिकारी जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उन अधिकारी को आप अप्रूव कर देंगे तभी जाकर के आगे के स्टेप में ये व्यक्ति यहाँ बढ़ेगा। अभी मेरे पास ये 18 लोग हैं, मैं यहाँ इस जिनके भी यहाँ क्लिक करूंगा वो 18 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। उसको जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा अधिकारियों को तो वो यहाँ आ जाएंगे, 124 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये स्टेप ये है कि आपने एक व्यक्ति का असेसमेंट है वो क्लियर कर दिया है, इतने लोग आपके पास प्रथम स्तर पे रिपोर्टिंग पे पेंडिंग पड़े हैं वो रिव्यूइंग रहेगा। अब जैसे ही मैं सबसे पहले इस रिपोर्टिंग वाले पे इस पे करूंगा, इस पे क्या आएगा देखिए साथियों, ये वाला आपके जितने भी लोग पेंडिंग हैं वो सारे लोगों की डिटेल्स यहाँ खुलने वाली है। उनकी उन्होंने अधिकारी सेलेक्ट कौन से कर रखे हैं, क्या कर रखा है, आप उनका नाम वगैरह यहाँ आ जाएगा, उनकी पोस्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाएगा, उनका ID वगैरह आ जाएगा, उन्हें कब से कब तक का भरा है। और आप ये जो पेन का निशान आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, इस पेन वाले निशान पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इसका डाटा खुलेगा इन कर्मचारी का, ठीक है। और यहाँ रिपोर्टिंग यानी भरने वाला कौन है उनका नाम आ जाएगा, उनकी स्कूल का नाम आ जाएगा, पीरियड यानी कब से कब तक का भरा है, रिपोर्टिंग ऑफिसर में उन्होंने किसको सेलेक्ट किया है, आपकी आईडी पे आया तो उन्होंने स्वाभाविक आपको ही रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट किया होगा तभी आपके पास आया है। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर किसको सेलेक्ट किया, एक्सेप्टिंग ऑफिसर किसको सेलेक्ट किया है, यदि ये नियमानुसार सही है जो रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों यदि सही हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इस पर टिक करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। यदि इनमें से आपको लगता है कि उसके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग ऑफिसर में कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई है, कोई मिस्टेक रह गया है, तो आप लोगों को रिजेक्ट करना होगा। रिजेक्ट करने के लिए कारण आएंगे, कौन से कारण सेलेक्ट करते हुए आप रिजेक्ट करेंगे देखिए। अब थोड़ा मैं चैनल बता देता हूँ, अधिकतर जो भी साथी हैं उनके लिए चैनल वाली कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी अपन एक बार थोड़ा रिव्यू कर लें क्या रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा किस पद के लिए। अब जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है साथियों, प्रिंसिपल या कार्यवाहक प्रिंसिपल दोनों के लिए, यदि कहीं कहीं स्कूलों में अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, तो जो भी प्रिंसिपल साहब हैं उनके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले CBO रहेंगे,
कॉन्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर में डीओ सेकेंडरी को कर सकते हैं या कई कई लोग इसको सीबीओ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों तरह से वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग दोनों में यदि सीबीओ करते हैं या डीओ करते हैं तो भी ओके है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर उनके डायरेक्टर महोदय रहेंगे। अब फर्स्ट ग्रेड जो भी लेक्चरर साहब हैं उनके लिए पीओ रहेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीओ रहेंगे और डायरेक्टर एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड जो टीचर हैं उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर पीओ रहने वाले हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीओ सर और जेडी सर है वो उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर यानी आपके। उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर्स का देख लें अपन, एल वन या एल टू दोनों के लिए पीओ रहेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीओ रहेंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर साथियों डीओ, यदि एलिमेंट्री सेटअप के टीचर्स हैं उनके लिए डीओ एलिमेंट्री और जो सेकेंडरी सेटअप के टीचर्स हैं उनके लिए डीओ सेकेंडरी रहने वाला है। इसी तरह से पीटीआई के लिए क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग ऑफिसर पीओ, रिव्यूइंग सीबीओ और एक्सेप्टिंग डीओ सेकेंडरी। इसमें चाहे व्यक्ति एलिमेंट्री सेटअप में भी लगा हो तो पीटीआई को हमेशा सेकेंडरी सेटअप के जो डीओ सर हैं उनके पास ही उनका जाएगा, अन्यथा आपकी एपीआर फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा अपने नेटवर्क के बारे में चर्चा की। जब आप उनका अप्रूव या रिजेक्ट करें तो आप थोड़ा सा देख लें कि क्या उन्होंने है वो अधिकारी सही सेलेक्ट किए हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के अंदर जेडी, जैसे ये हमारे लेक्चरर साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, लेक्चर इन्होंने सर ने पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर पे सीबीओ को सेलेक्ट कर लिया और रिव्यूइंग ऑफिसर में इन्होंने जेडी महोदय को सेलेक्ट कर लिया और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में इन्होंने डायरेक्टर को सेलेक्ट किया। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ कौन होना चाहिए था साथियों, डीओ होने चाहिए थे। किसको सेलेक्ट करना था, डीओ सेकेंडरी को, जबकि इन्होंने किसको कर लिया, जेडी को, इसलिए इनको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट में समीक्षक ऑफिसर यानी रिव्यूइंग अधिकारी का चयन सही नहीं किया गया, यह करते हुए आप उनको रिजेक्ट करेंगे तो उनकी आईडी पे रिटर्न चली जाएगी एपीआर और वहां से वो अधिकारी वापस सेलेक्ट करके दोबारा आपको भेज देंगे। ठीक है साथियों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उन्होंने जिनका भी आप असेसमेंट कर रहे हैं उन्होंने अधिकारी सही सेलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, यदि नहीं किए हैं तो आप उनको थोड़ा देख लें और वापस भेज सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यदि उस व्यक्ति ने सही सेलेक्ट किए हैं, जो चैनल बना हुआ चैनल के अनुरूप सही है, तो आप सीधा कन्फर्म ऑफिसर पे क्लिक कर देंगे और इनका डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ऑफिसर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा और वह व्यक्ति यहां से कम होकर के यहां पे चला जाएगा। ठीक है, आगे अपने क्या प्रोसेस करना है साथियों, जैसे आपने ये ऑफिसर मैंने अभी बताया रिजेक्ट वाला और सही वाला, ये आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब क्या रहेगा, यहां आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो जिन व्यक्ति को आपने अधिकारी सेलेक्ट कर लिए हाँ इनका अधिकारी वाला काम ओके, तो आपके यहाँ दिख जाएंगे रिपोर्टिंग में, आपने वहां से सेलेक्ट किए और दोनों व्यक्ति यहाँ दिख रहे हैं इनमें। अब की बार साथियों आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो इनके आगे जो इन्होंने डाटा भरा है वो खुलेगा। वो किस प्रकार से खुलेगा देखिए साथियों, अब जो उन्होंने भरा अपने इस तरह पे, ये क्या किसका दिख रहा है, रिपोर्टिंग का, आपको रिपोर्ट आप है वो आगे दिखेगा इनमें उत्कर्ष अच्छा संतोष पर इन्होंने जो भी भरा है। यहाँ वापस से अधिकारी दिखेंगे, यदि वो अधिकारी आपको सही दिख रहे हैं, ये जो अधिकारी दिख रहे हैं रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर, अभी भी आपको ध्यान पहले ध्यान नहीं रहा और बाद में यदि आपको मालूम पड़ता है तो यहाँ से सेंड बैक टू रिपोर्ट आप वापस भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपने कर दिया, ये ऑटोमेटिकली आएगा। आप लोगों को केवल यहाँ पे एक चीज भरनी है, ये संतोष वर्धन की सेवा कैसा रहा, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे यदि इनका पद अलग रहा है तो आप यस या नो कर सकते हैं और सीधा सबमिट रिव्यू, यहाँ अपना सबमिट रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे रिव्यू सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट करिएगा। ऑफिस सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आप व्यू साइंड एपीआर, उनका सक्सेसफुली होने के बाद आप यहां से व्यू साइंड एपीआर, उनकी जो अपन एपीआर अभी अपन ने सबमिट की है वो उसको आप किस प्रकार से देख पाएंगे, उसके साथियों पीडीएफ देख सकते हैं। जैसे आप व्यू पे करेंगे उनकी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपने जो साइन किया वो डिजिटली साइन या हो जाएगा और ऑटोमेटिकली है वो आगे अगले स्तर पे फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर वो आप पीडीएफ जैसे ही काटेंगे, यदि आप वापस से एपीआर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको लॉग आउट कर देगा साला दर्पण। आपको क्या करना है, ये सेंड बैक टू डैशबोर्ड ऊपर आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाकर के साथियों वापस से आपको वैसा दिखेगा जैसा था, आप वैसे ही जैसे इस पर क्लिक करेंगे वापस खुल जाएगा। इस प्रकार से आप स्टेप बाई स्टेप एक एक व्यक्ति का रिपोर्टिंग ऑफिसर होने के नाते अप्रूव कर सकते हैं और उसको आगे
फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथियों सबमिट करने के बाद फॉरवर्ड का ऑप्शन आए, उस फॉरवर्ड भी करेंगे आप, फॉरवर्ड करेंगे तभी जाकर के आपको वो जो अभी मैंने पीडीएफ दिखाई थी वो पीडीएफ आएगी, ठीक है। अब यदि आप रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर लिया और कई व्यक्ति यदि रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, जैसे आप इस ये वाला ऑप्शन रहेगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला सेम रिपोर्टिंग पे अभी 10 लोग पेंडिंग हैं, रिव्यूइंग में 196 लोग पेंडिंग हैं, तो इस पे क्या करेंगे, जैसे आप रिव्यूइंग पे करेंगे वापस वही लोग वैसे ही खुलेंगे, आप एक एक व्यक्ति का कर सकते हैं। और इन लोगों ने इस बार बल्क असेसमेंट एज रिव्यूइंग ऑफिसर का भी ऑप्शन डाल दिया है, जहां आप एक साथ बहुत सारे लोगों को अप्रूव कर सकते हैं। वो कैसे रहेगा साथियों, एक साथ हम लोग 15 लोगों को अप्रूव करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां जाकर के आप प्रत्येक व्यक्ति का डाटा चेक कर लें, क्या उन्होंने जो ऑफिसर सिलेक्ट किए हैं क्या वो सही हैं। कभी कभार क्या होता है कि रिपोर्टिंग जो खुद कर्मचारी हैं वो भर के रिपोर्टिंग ऑफिसर तक फॉरवर्ड करता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर महोदय जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी के चक्कर में, उसको अप्रूव करने के चक्कर में बाई मिस्टेक जो उन्होंने गलत अधिकारी चूज किए हैं उनको सही मानते हुए आगे भेज देते हैं, तो रिव्यूइंग ऑफिसर भी उसको वापस यहां से रिवर्ट कर सकते हैं कि आपने जो अधिकारी सिलेक्ट किए हैं उनमें से कहीं ना कहीं मिस्टेक है। यदि आपको गलत रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट कर लिया तो आप उसको कर्मचारी को वापस भेज सकते हैं डाटा को। अब आप यहां देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कौन कौन से अधिकारी को सिलेक्ट किया है। यदि आप सीधा बुल्क असेसमेंट में चले जाएंगे तो उसमें केवल कर्मचारी का नाम दिखेगा और आपको सिलेक्ट करते हुए 15 लोगों को सिलेक्ट करते हुए नीचे अप्रूव ऑप्शन आएगा, अप्रूव हो जाएगा, सीधा आगे चले जाएगा। यदि आप एक बार देख लें, देख करके यदि एक एक करते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, एक को देखा बैक आए, सेकेंड व्यक्ति के देख लिया डाटा, थर्ड के देख लिया, इसी प्रकार से आप 15-20 लोगों के देखें, फिर आप बुल्क में जाकर के 15-20 लोगों का एक साथ अप्रूव कर सकते हैं। पिछली बार क्या था साथियों, एक एक व्यक्ति के अलग अलग इंडिविजुअली ओटीपी डाल करके आपको डिजिटली साइन करना पड़ता था अप्रूव करते समय। इस बार इन लोगों ने क्या किया है कि आप जब असेसमेंट के लिए प्रवेश करते हैं या शुरुआत में ही आपसे ओटीपी ले ली जाती है और सभी के जितने भी आप अप्रूव करते हैं उन सभी के ऑटोमेटिकली डिजिटली साइन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक साइन वाली प्रोसेस को कम कर दिया गया है, तो ये काम थोड़ा अपने लिए आसान हो चुका है। तो रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में यदि कोई एक्सेप्टिंग ऑफिसर है तो वो लोग क्या करेंगे, यहां से असेसमेंट को एक साथ बुल्क में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि उन लोगों का ये डाटा है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप है वो बुल्क के रूप में यानी एक साथ है वो डाटा को अप्रूव करिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है साथियों। तो ये था एबीएआर को रिपोर्टिंग लेवल पे और रिव्यूइंग लेवल पे सबमिट करने का, रिजेक्ट करने का प्रोसेस। यदि इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।